मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जयति सिंह वाहिती का वासल का सम्मान हुआ। भारत विकास परिषद शाखा समर्पण द्वारा ग्वालियर की स्मार्ट सिटी सीईओ जयति सिंह व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हितिका वासल सुचि दुदावत का सम्मान अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किया गया। राष्ट्रगान प्रभारी गिरीश अग्रवाल ने अपने संबोधन में बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कुछ विशिष्ट महिलाओं का सम्मान इस भावना को ध्यान में रखकर किया है। नारीयस्ति पुंजते तत्र रमन्ते देवता, जहां नारी का सम्मान होता है देवता भी वहीं वास करते हैं। सम्मानित होने वाले सभी लोगों ने कोरोना वॉरियर के रूप में व समाज सेवा व प्रशासनिक क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट सेवाएं देकर कोरोना वॉरियर के रूप में बहुत ही अच्छा कार्य किया है और आप तीनों का सम्मान फूलमाला और स्मृति चिन्ह साथ ही में मोती की माला पहनाकर अरविंद दुदावत साथ ही में संजय धवन गुलाब प्रजापति गिरीश अग्रवाल व साथ ही में प्रदीप लक्ष्मण के द्वारा किया गया एवं स्मार्ट सिटी सीईओ जयति सिंह ने कहा कि वो अत्यंत व्यस्त थी फिर भी उन्होंने भारत विकास परिषद के आग्रह को इसलिए तुरंत स्वीकार कर लिया क्योंकि आपकी माताजी भी भारत विकास परिषद से जुड़ी हैं। आप भारत विकास परिषद के कार्यों के बारे में जानती हैं और आपने 2 मिनट राष्ट्र के नाम कार्यक्रम की सफलता के लिए शाखा समर्पण व राष्ट्रगान परिवार को साधुवाद दिया है, जहाँ पर हितिका वासल जी के द्वारा कहा गया कि यह राष्ट्रगान का कार्यक्रम लगभग पिछले 31 माह से चल रहा है, जो कि अपने आप में एक अद्वितीय बात है। शाखा समर्पण अपने नाम के हिसाब से समर्पण भाव से यह कार्य कर रही है। इसके लिए पूरी राष्ट्रगान टीम व शाखा समर्पण की टीम बधाई की पात्र है। हम कामना करते हैं कि 2 मिनट राष्ट्र के नाम कार्यक्रम यूं ही आगे भी अनवरत चलता रहे। इस अवसर पर राष्ट्रगान संयोजक अरविंद दुदावत साथ ही में संस्थापक व प्रांतीय संगठन मंत्री संजय धवन और अध्यक्ष गुलाब प्रजापति, उपाध्यक्ष गिरीश अग्रवाल, सचिव प्रदीप लक्षणे, कोषाध्यक्ष नरेंद्र शिवहरे और साथ ही में सह सचिव महेश धीमान, महेश अग्रवाल और सतीश राजूरिया, बसंत कोडेला, नमन गांधी और साथ ही में प्रदीप शर्मा, बीके मिश्रा, कमल गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल संचालन उपाध्यक्ष गिरीश अग्रवाल के द्वारा किया गया। वहीं ग्रीन ग्वालियर, क्लीन ग्वालियर व पर्यावरण की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सम्मानित होने वालों को सचिव प्रदीप लक्षणे जी की ओर से एक एक मीठे नीम व सेवंती का पौधा दिया गया। प्रदीप जी के इस कार्य के लिए उन्हें संस्थापक संजय धवन व गिरीश अग्रवाल व पूरी टीम ने उन्हें बहुत बहुत बधाइयां दी। आभार प्रदर्शन गुलाब प्रजापति के द्वारा किया गया। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी प्रदीप लक्षणे जी के द्वारा दी गई। आज क्या कार्यक्रम रखा गया भारत विकास परिषद के द्वारा महिला दिवस की सर्वाधिक है कि आज 8 मार्च को एक महिला सशक्तिकरण के रूप में और महिलाओं को एक नई ऊर्जा देने के लिए और उनको प्रेरणादायक जो उन्होंने काम करती हैं उनके लिए धन्यवाद करने के लिए 8 मार्च को ये महिला दिवस मनाया जाता है। देखिए आज के समय में घर से लेकर पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली महिला शक्ति, उनका दिवस मनाया जा रहा है
तो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि महिलाएं शुरू से ही कितनी प्रेरणादायक काम करती हैं, चाहे रानी दुर्गावती जी हो, चाहे महारानी लक्ष्मी बाई हो, चाहे महारानी गोल अहिल्याबाई जी हो। पर उसके पहले कोई भी यानी पति मरने के बाद औरत को जिंदा जला दिया जाता था कुरूतियों के नाम से। आज रक्ति ज्वाला से लेकर आज महिला फाइटर प्लेन तक चला रही है, ये महिला का विजय दिवस का सम्मान है। उनका एक दिन के सम्मान से कुछ नहीं होता है, हम उनके सम्मान और आदर से हमेशा समाज का ही निर्माण होता है। माँ शब्द से बच्चों की शुरुआत होती है, उसी महिला दिवस के लिए मैं सभी महिलाओं को आभार अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज आपकी संस्था के द्वारा महिला दिवस पर किन किन का सम्मान किया गया? आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में भारत विकास परिषद शाखा समर्पण ने आज स्मार्ट सिटी CEO जयंती सिंह जी और एडिशनल SP जी का स्वागत किया था। आज उन्होंने इतना बहुमूल्य, आज उनका इतना बिजी शेड्यूल था, फिर भी उन्होंने राष्ट्रगान में समर्पण भावना से आए और उनका स्वागत किया हमने। उनको पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, उनको पर्यावरण का एक नया मैसेज देने के लिए पौधे भी वितरित किए, और उस पर संदेश जाना है कि अपन को पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो अपन सभी सुरक्षित रहेंगे। इसी भावना से उन लोग आए पधारे, मैं उनका आभार अभिनंदन प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं किस तरह का करते हूँ यहाँ पर आज ना महिला दिवस के ऊपर क्या आप कहना चाहोगे महिलाओं के लिए? महिला दिवस पे मैं सभी शहर और देश की महिलाओं को कंग्रेचुलेट करती हूँ और यही विश करती हूँ कि वो आगे बढ़ती रहें, सशक्तिकरण हो महिलाओं का और सोसाइटी उनको पूरा सपोर्ट करें। ऑलरेडी हमारी सोसाइटी ने महिलाओं को बहुत सपोर्ट करना शुरू कर दिया है और ऐसे ही सोसाइटी उनको आगे सपोर्ट करती है। हैप्पी वुमेंस डे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।